आप देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के जनता कांग्रेस विधायकों को तोड़ लेने के बयान पर अमित जोगी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि दबाव और प्रभाव में जनता कांग्रेस जोगी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस सत्ता के बल पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी को तोड़ना चाहती है, पर मुझे उम्मीद है कि जनता कांग्रेस जोगी पार्टी नहीं एक परिवार है। इससे जुड़े विधायक संकट के समय में पार्टी और जोगी परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। हमारे दिल को तोड़ने की कोशिश कोई पहली बार नहीं हुई है, लगातार इस तरह के प्रयास जारी हैं। सत्ता के दबाव और प्रभाव में अगर कोई विधायक जनता कांग्रेस जोगी छोड़ना चाहता है तो ये उसकी नहीं बल्कि प्रदेश की मुख्यमंत्री विधायक संख्या बढ़ाने की भूख का नतीजा होगा। मैं ऐसे विधायक से आशा करूंगा कि लोकतंत्र की मानक परंपरा का पालन करते हुए उक्त विधायक पार्टी से इस्तीफा देकर उपचुनाव में जनता का विश्वास फिर से हासिल करेगा। कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और कई प्रदेशों में विधायकों का दल बदल इस्तीफा देकर हुआ है। यहाँ के विधायक अगर दल बदलना चाहते हैं तो वह भी ऐसा कदम उठाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस जनता ने जोगी का चेहरा देखकर उन्हें कांग्रेस की प्रचंड लहर के बावजूद जोगी की पार्टी का विधायक बनवाया, वह अपनी विधानसभा की जनता के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। भारत के संविधान और कानून में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि राजनीतिक दलों का प्रचार करने के लिए उसके प्रत्याशी का होना अनिवार्य है, किंतु निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक श्री जयसिंह के द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के सभी प्रावधानों की धज्जियां उड़ाते हुए मेरी पार्टी के नेताओं और विधायकों को यह कहा गया है कि मरवाही चुनाव में आपके दल के द्वारा किया जा रहा प्रचार, हमारी न्याय यात्रा एक संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। इससे स्पष्ट है कि या तो श्री जयसिंह को उपरोक्त अधिनियम, निर्वाचन संबंधित नियमों और संविधान के सिद्धांतों की जानकारी नहीं है, या फिर वे सीधे सीधे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की भाषा बोल रहे हैं। मरवाही के मतदाताओं की नजर में छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री और कांग्रेस के चुनाव प्रभारी श्री जयसिंह अग्रवाल और निर्वाचन पर्यवेक्षक श्री जयसिंह के बीच अब कोई अंतर नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24।